तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मीवी ऐसा क्या चेंजेस करती है कि जो पहले उन्होंने निकाला था अपना मीवी कोरा क्लासिक वायरलेस ईयरफोन्स और अब कंपनी ने निकाला है अपना मीवी कोरा क्लासिक प्रो। इन दोनों में ऐसे में चेंजेस क्या है? बॉक्स के साइज के अलावा भी बहुत कुछ चेंजेस है जो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक आपको बड़े बॉक्स में मिलता है, एक छोटे बॉक्स में मिलता है, पर इसके अलावा जो है कि दोनों में ही अगर आप पीछे की साइड से भी देखेंगे तो ऐसा कुछ भी मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आप कह सकते हैं कि यार इसको ये दोबारा से इन्होंने रीपैकेज करके इस वाले हेडफोन्स को दोबारा से रीपैकेज करके इसमें निकाल दिया है। दोनों में ही आपको आराम से अराउंड 50 to 60 hours की बैकअप टाइम मिल जाता है। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप पीछे की मतलब पढ़ेंगे भी तो ऑलमोस्ट सबको सारी चीजें सेम दिखेंगी, कुछ भी चेंज नहीं है। फुली चार्ज इन 35-40 मिनट, मतलब डिपेंडिंग ऑन चार्ज, सब कुछ सेम लिखा है, वन ईयर वारंटी वगैरह। अभी मैं आप इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तब आपको जाकर समझ में आएगा कि एक्चुअल में कुछ चेंजेस हैं कि भी नहीं है। तभी मैं इस बॉक्स को ओपन करके आपको भी दिखाता हूँ। तो ये हैं आपके मीवी कोर क्लासिक और वायरलेस फोन, और ये हैं आपके कोलर क्लासिक प्रो। अब मैं साइज की सबसे पहले बात करता हूँ। साइज आप देख रहे हो जो नया प्रो वाले हैं उनका साइज थोड़ा सा छोटा है, तो जो ये जो शिकायत थी मेरे पिछले वाले उनसे कि काफी ज्यादा तक बड़े लगते हैं, गले में अलग से नजर आते हैं, वो इस वाले आपके क्लासिक प्रो में नजर नहीं आते हैं। अब मैं अगर इसके साइड के बटन की बात करूँ तो बटन्स में भी आप अगर देख पाएंगे तो बटन्स पे अब इन्होंने साइड में से बटन हटा दिया, इन्होंने बटन्स अब एक अलग से यहाँ पे दे दिया है, और जो कि इनके एक पहले से ही एक अलग इस वाले कोलर क्लासिक में जो यहाँ पे थे इसी के पैनल के ऊपर। तो ये बटन्स थोड़े से काफी अजीब से लगते थे, पर इन्होंने क्लासिक प्रो में आके बटन्स को काफी अच्छा हद तक ठीक कर दिया है। प्लस मैग्नेटिक स्टाइल की मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक स्टाइल ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, दोनों ही आराम से बंद हो जाते हैं, पर ये क्लासिक प्रो वाले थोड़े से स्टाइलिश है, थोड़े से बेटर है एज कम्पेयर विद द पुराने वाले कोरा क्लासिक से। तो ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत चेंजेस है साइज में, थोड़ा बहुत चेंजेस है। प्लस मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो कि है आपका जो चार्जिंग मिलता है यहाँ पे, ये आपको नॉर्मली यहाँ पे आपको टाइप सी का चार्जिंग देने लग गए हैं, जो कि पहले वालों में आपको यूएसबी सी का तो चार्जिंग मिलता नहीं था, नॉर्मली यूएसबी ए का चार्जिंग पॉइंट में मिलता था, यानी कि जो पुराने फोन में आता था वो वाला आपको चार्जिंग पॉइंट यहाँ देखने को मिलता था, जिसको मैं अभी ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉर्मल वाला पुराना वाला चार्जिंग पॉइंट जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता था। तो मोटा मोटा ये चेंजेस था, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर देते हैं और कुछ फीचर्स वगैरह कुछ ऐड नहीं होते हैं। बस ये कहूंगा कि वायर जो पहले आपको थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंगर मिलती थी, थोड़ी सी आपको लगता था कि यार क्रैक व्रैक हो जाएगी, वो वाले भी इन्होंने बेटर कर दिया है पिछले वाले स्टाइल से। और अब आपके वायर को आप जितना मर्जी ब्रेक कर लें, कुछ भी कर लें, ये ब्रेक नहीं होती, जितना मर्जी से फोल्ड कर लें ये ब्रेक नहीं होती। तो पुराने वाले क्लासिक से, तो कोला क्लासिक से, तो कहूंगा कि नए वाले कोला क्लासिक प्रो है काफी बेटर। अगर आपके पास पुराने वाले हैं कोला क्लासिक तो आप जाके इन्हें अपडेट कर लें न्यू वाले कोला क्लासिक प्रो में, और हो सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम थी कि यार काफी बल्की है, काफी बड़े हैं, तो उस वाले फीचर पॉइंट से तो ये काफी अच्छे हैं, आपके कानों पे आपके गले पे भी काफी अच्छे लगेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि यार ज्यादा बल्कीनेस भी नहीं है। प्लस जो माइक था वो पहले यहाँ पे था, अब माइक इसके थ्रू आवाज क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि ये नीचे उन्होंने वायर में दे दिया, तो ये काफी अच्छा हद तक पॉइंट है। तो मेरी तरफ से अगर आपको दोनों में से कोई कंपेयर करना हो तो मैं कहूँगा कि आप कोर क्लासिक प्रो की तरफ जाए, कोर क्लासिक को आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो इसको डिस्कार्ड करके अब आप कोर क्लासिक प्रो को यूज करें और आपका जो स्टाइल है वो काफी हद तक और बेटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, पसंद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।